फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि बिलोंग टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम बिलोंग टू का कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस बात को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम वर्ड बिलोंग टू का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी चीज पर या किसी इंसान पर मेरा हक है, या किसी चीज से या किसी इंसान से मेरा कोई नाता है, मेरा कोई रिश्ता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना हो कि आपका किसी नाउन के साथ कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, कोई नाता है, या आपका उस पर हक है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए बिलोंग टू का यूज करते हैं। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, मान लीजिए वहां पर मोबाइल है और अगर किसी ने पूछा ये किसकी मोबाइल है, तो आप कहेंगे वह मोबाइल मेरा है। यानी आपने यहाँ पर कहा कि उस नाउन पर या उस मोबाइल पर मेरा हक है, या उस मोबाइल का रिश्ता नाता मुझसे है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स दैट मोबाइल बिलोंग्स टू मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो यह मेरी कार है, तो आप कहेंगे दिस कार बिलोंग्स टू मी। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में कहना होता है कि मैं दिल्ली से हूँ या मैं मुंबई से हूँ, तो जब कभी भी आपको कहना हो कि मैं मुंबई से हूँ, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू मुंबई। आप बिलोंग टू का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि बिलोंग टू मीन्स मैं उस जगह से संबंध रखता हूँ, या मैं उस जगह से नाता रखता हूँ, या मैं उस जगह से रिश्ता रखता हूँ। क्या यह आपकी किताब है? नहीं, यह मेरी किताब है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए मैं कह सकता हूँ दिस बुक बिलोंग्स टू मी। हालांकि इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है दिस बुक इज माइन, और यह लेसन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप बिलोंग टू का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बिलोंग टू का यूज करेंगे तो बातों से पता चलेगा इस नाउन का रिलेशन या रिश्ता आपसे है, यानी उस नाउन पर आपका हक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि किसी नाउन पर आपका हक है, या किसी नाउन से आपका नाता है, रिश्ता है, तो आप बिलोंग टू करके बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस लेसन को समझे तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? और क्वेश्चन है दिस इंग्लिश चैनल बिलोंग्स टू मी। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।